तपस्या बॉडी बिल्डिंग इसलिए है क्योंकि आपको डाइट पे बहुत डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है। ट्रेनिंग तो हर गेम में करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें डाइट पे आपको बहुत फोकस करना पड़ता है। 2 घंटे 3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद पूरे 20-21 घंटे आपको डाइट पे फोकस रखना पड़ता है। Hey guys, this is Shubham from Shape Up India and Know Your Athlete की आज की इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे मुकेश सिंह गहलोत के बारे में। मुकेश सिंह गहलोत का जन्म 1 मई 1978 यानी कि 1978 में दिल्ली में हुआ था। शुरुआत से इनका इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग था, इनके जेनेटिक्स भी उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बट इनकी फैमिली इनको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग के पैशन को साइड कर दिया एंड इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिकल फील्ड से कम्प्लीट की। इंजीनियरिंग कम्प्लीट करने के बाद इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में 2 साल जॉब भी की, बट 1997 में ये एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखने गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड उस कॉम्पिटिशन में बॉडी बिल्डर्स को देख के इन्होंने बिल्कुल ठान लिया कि उनको अब बॉडी बिल्डिंग ही करनी है एंड उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक बहुत ही फेमस जिम हुआ करता था जिसका नाम था द जिम एंड वहाँ से इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की जो कैरियर है शुरुआत की। ये वैसे आज भी उस जिम में लगाते हैं, अब तो शायद उस जिम को हैंडल भी करते हैं एंड वहाँ पे जो द्रोणाचार्य सर थे उनके अंडर इन्होंने काफ़ी दिनों तक ट्रेन किया एंड काफ़ी सारे मेडल्स भी लाए हमारे देश के लिए उस जिम के अंदर। तो उस जिम को ज्वाइन करने के बाद लगभग 6 महीने के अंदर ही इन्होंने अपना पहला कॉम्पिटिशन जो कि दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर था वहाँ पर खेला एंड वहाँ पर गोल्ड मेडल जीत के लाए। सन 2000 में ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में खेलने गए एंड वहां पे भी इन्होंने गोल्ड जीता एंड सन 2000 में ही इन्होंने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्ट लिया एंड वहां पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाया। बट फैमिली की सपोर्ट ना होने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दोबारा से आने लगी। सो बचपन से ये पढ़ने में तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थे तो इन्होंने सेंट्रल रेलवे की जो नौकरी थी उसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी वहाँ पे इन्होंने एक इंडियन रेलवेज के अंदर ही रेलवे चैंपियनशिप करके कॉम्पिटिशन होता है वो भी खेला एंड वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल की प्राप्ति की। सो कुछ टाइम जॉब करने के बाद बॉडी बिल्डिंग का जुनून इतना ज़्यादा था इनके सर पर कि इन्होंने वो जो रेलवे की जॉब थी उसको भी छोड़ दिया एंड 2005 में इन्होंने फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी एंड उसी साल 2005 में इन्होंने मिस्टर इंडिया खेला एंड वहां पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एंड इसके बाद इन्होंने काफी सारे कॉम्पिटिशन से पार्ट लिया एंड ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बट जो मेन सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन था वो था मिस्टर इंडिया 2008 का, जिसमें इन्होंने ओवरऑल टाइटल जीता, यानी अपनी कैटेगरी में तो जीता लेकिन साथ ही साथ बाकी जो कैटेगरी थे उनमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एंड इसके बाद 2012 में इन्होंने पावर लिफ्टिंग में स्विच कर लिया। हालांकि इंडिया में उस टाइम पे पावर लिफ्टिंग कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं था या नाम नहीं था, बट फिर भी इन्होंने पावर लिफ्टिंग में स्विच किया एंड स्विच करने के बाद ही सन 2000 में ही इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया एंड वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 2012 के बाद 2013-2014 इन्होंने काफ़ी अलग अलग इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया एंड हर जगह पे इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इस पावर लिफ्टिंग वाले फील्ड में वो ये थी कि 2017 के मिस्टर ओलंपिया में जो पावर लिफ्टिंग वाले इवेंट होते हैं ये वहाँ पे गए एंड इन्होंने वहाँ पे अपनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल को जीता एंड ऐसा करने वाले ये इंडिया के सबसे पहले पावर लिफ्टर बॉडी बिल्डर बन गए थे, जिन्होंने मिस्टर ओलंपिया में जाके पावर लिफ्टिंग वाली जो कैटेगरी होती है, पावर लिफ्टिंग वाला जो स्पोर्ट्स होता है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता अपनी कैटेगरी के अंदर। सो उस कंपटीशन में इन्होंने लगभग टोटल 779 केजी लिफ्ट किया था एंड उस टाइम से लेके आज तक प्रेजेंट टाइम तक इन्होंने अपनी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। मैं आप लोग बता दूं कि इनके जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड है जो इन्होंने अपने जिम के अंदर हिट किया है उसमें इन्होंने 250 केजी तक की बेंच प्रेस को हिट किया, जो कि एक बहुत बहुत ही बड़ी बात होती है। सो उसके बाद ये इन्होंने पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते रहे एंड काफ़ी ज़्यादा नोन पर्सनैलिटी हो गए इस बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग वाली फील्ड में। काफ़ी सारे लोग इनको पहचानने लगे, इनकी रिस्पेक्ट कर देने लगे एंड फॉर्चुनेटली मैं भी इनसे एक बार मिल चुका हूँ, बात तो खैर नहीं होती लेकिन मिला था एंड इनके जो मैंने इंटरव्यू सुने हैं वो उनसे पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पर्सनैलिटी एंड काफ़ी ज़्यादा हम्बल पर्सन है। खैर अब इनका दिल्ली में खुद का जिम भी है एंड उस जिम के अंदर ये काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, काफ़ी सारे एथलीट्स उन्होंने निकाले भी हैं, काफ़ी सारे जो चैंपियनशिप है वो भी इनके जिम से निकले हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो लोग सीरियस होते हैं अपने गोल को लेकर। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है एंड बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है इस बॉडी बिल्डिंग वाली फील्ड में। हर जगह आप लोग देखोगे कि ज़्यादातर इनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा हम्बल पर्सन मुझे ये लगते हैं। सो आप लोग क्या लगता है आप लोग नीचे कॉमेंट को जरूर बताइएगा। दिस इज शुभम सिंह फ्रॉम शेप अप इंडिया साइनिंग ऑफ। शुरू से ही मेरी एक आदत है, मैं अपनी लास्ट परफॉर्मेंस को देखता हूँ, मैंने लास्ट ईयर क्या किया है या जो मैंने कल ट्रेनिंग की है मैं
मुझे अपने आप को बीट करना होता है। कल मैंने अगर 100 किलो वेट उठाया तो मेरा टारगेट उस 100 किलो से